हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा शक्ति ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं अभी अमेठी आई हूँ और शादी है, मेरी नंद है, उनकी शादी है। तो शादी में जो रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं, जो जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो आज से स्टार्ट है। तो मैं ये देखिएगा, मैं दिखाऊंगी, ये मंडप बनाया हुआ है, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, शादी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं शादियों में, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ यहाँ का क्या है, मतलब नियम क्या है, यहाँ की क्या परंपरा है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ की क्या परंपरा है, शादी के पहले से क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है मंडप और आज है तेल पूजन। तो जो यहाँ के, मतलब जो लोकल भाषा में लोग बोलते हैं, जो जो ये प्रतापगढ़ की भाषा है, वो यहाँ की भाषा में वैसे तो तेल पूजन ही बोलते हैं, लेकिन वैसे यहाँ की भाषा में बोलते हैं, यहाँ की भाषा में मटमंगरा बोलते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया, आज से रिचुअल स्टार्ट हो गए हैं। ये तेल पूजन है। तेल पूजन में क्या क्या होता है, वो मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये मंडप है, मंडप की पूजा की जाती है, इस टीका का किया जाता है। इसके बाद आगे का जो करेंगे वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये जो बैठी हुई है, ये मामी है, इन्हीं की बेटी की शादी है। एक्चुअली जो गीता है वो इनकी देवरानी की बेटी है, लेकिन गीता के पापा नहीं है, तो इसकी वजह से वो, मतलब किसी भी पूजा में कोई भी वो नहीं करेंगी, सारा कुछ इनकी बड़ी मम्मी करेंगी। तो ये बड़ी मम्मी है गीता की, वही सारा चीज़ पूजा पाठ जो भी होगा सब कुछ यही करेंगी। तो ये सब कर रही हैं। और ये जो साथ में बैठी हैं, ये नाउन है। यहाँ पे जो भी पूजा होता है, शादी ब्याह जो भी होता है, उसके लिए इनको बुलाते हैं। ये सारा कुछ कराती हैं, लोगों को इनवाइट भी करती हैं, जा घर घर जा जा कर बुलाती, क्योंकि घरों में, गांव में ज़्यादातर यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार कोई नहीं जाता बुलाने। इससे अच्छा वहाँ पे जो नाउन होती हैं वही जाके बुला लेती हैं, उन्हीं को ही बोल दिया जाता है कि आपको इतने समय इस काम के लिए सभी को बुलाना, बुलावा देने जाना है। तो वो जाती हैं और सबको बोल के आती हैं। तो ये देखिएगा, स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले पूजा में कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को टीका लगाते हैं, तेल लगाते हैं, उसके बाद ही सबको लगाएंगे। कन्या है तो कन्या को, आप सभी लोगों को पता होगा, छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानते हैं, तो इसी वजह से सबसे पहले कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद फिर आगे का पूजा स्टार्ट करेंगे। इधर मामी है जो सारी चीज़ें छोटी छोटी इकट्ठा कर रही हैं, रख रही हैं। और जैसे लोग, कुछ होता है किसी के भी घर में जो भी काम होता है, पूजा पाठ शादी, तो लोगों को प्रॉपर्ली नहीं पता होता है कि कैसे करना है, या करे किए भी होते हैं उसके बावजूद भी भूल जाते हैं। तो लोग आके बताते हैं कि हाँ अब ऐसा कीजिए, वो ऐसा कीजिए, इसके बाद ऐसा करना है। तो वही चीज़ मामी के साथ भी हो रहा है। तो इधर कन्या पूजन स्टार्ट है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये अमेठी की परंपरा है, ये मतलब तेल पूजन से स्टार्ट होता है। एक्चुअली तेल पूजन से सभी जगह ही शादी की स्टार्टिंग होती है, और बस फर्क इतना हो जाता है कि हर जगह में पूजा के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये देखिएगा, बच्चों की पूजा कर ली गई है, अब मामी भी कुछ कर रही है पूजा अपने तरीके से। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लेडीज़ इकट्ठा होती हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि इन सभी लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ है। इधर अर्थ भी देखिए, इनको भूख प्यास लगती रहती है, परेशान करते रहते हैं, और यहाँ पे तो ये छोड़ता भी नहीं था मेरे, मुझे अकेले की गोदी गोदी मेरे साथ ही रहता था, किसी के पास जल्दी से जाता भी नहीं था। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि लेडीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं, और इन सभी के हाथों में कुछ ना कुछ बर्तन होगा या कुछ होगा, जिसमें ये लोग ना कुछ आटा चावल ऐसे लेके आती हैं, खाली हाथ नहीं आती हैं। तो ये जो आटा चावल लाएंगी वो सब लोग एक जगह इकट्ठा करके, आप लोग देख रहे होंगे कपड़ा नीचे बिछा हुआ है उसमें रख रहे हैं। और ये जो आटा गेहूं चावल जो भी लाती है राशन, ये होता है नाउन का, ये नाउन अपने लिए अपने घर ले जाती है, और इसके बदले में इनको मिलता है तेल, गुड़ और चने की दाल दी जाती है।
तो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा होती है। जैसे मैं कानपुर से हूँ तो मुझे याद है कानपुर में जब ये होता था तेल पूजन, तो उस टाइम पे गुड़ और चावल बांटा जाता था सभी को। और लेकिन अमेठी में थोड़ा सा अलग है, अमेठी में और यहाँ हमारे यहाँ रुद्रपुर में भी यही होता है, क्योंकि ये लोग जो हमारे ससुराल पक्ष के लोग हैं सारे लोग सब प्रतापगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे भी यही करते हैं, गुड़ और दाल ही बांटते हैं, और यहाँ अमेठी में भी वही चीज़ हो रहा है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा होती है, मतलब पूजा पाठ वही होती है, तरीका थोड़ा करने का अलग हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गई है पूजा पाठ, और ये जो लेडीज़ वगैरह हैं ये सब गाना भी गाती हैं अपने अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से, जो उन वहाँ की परंपरा होती है, जो वहाँ के गीत होते हैं, गाने होते हैं, वो लोग सब गाती हैं। तो ये देखिए, ये जो साथ में बैठी है मेरे, ये है देवरानी, जो मामी है उनकी बहू है, तो ये देवरानी लगती है मेरी। तो ये लोग मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, तभी मुझे यहाँ आने का मन भी करता है, कि मतलब बिल्कुल फैमिली जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं लगते हैं। तो ये पीछे ये देख सकते हैं, ये मामी का घर है, तो मैं भी जाके बैठ गई हूँ, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि आप भी ले लो, क्योंकि ये जो टोकरी आप लोग देख सकते हैं, जिसको दौरा बोलते हैं यहाँ पे, दौरी दौरी बोलते हैं, तो ये इस टोकरी को मतलब 7 या 9 सुहागने मिलके उठाती हैं, और इसके बाद सब लोग जाएंगे बाहर, कहीं कहीं जगह तालाब होता है तो लोग तालाब में जाते, खेत में जाते, तो यहाँ पे खेत में जाएंगे, क्योंकि यहाँ तालाब तो नहीं है आसपास, तो खेत में जाएंगे। तो ये जो मामी का घर बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं, आसपास खेत ही खेत है, क्योंकि ये जो घर है बहुत बड़ा गांव नहीं है, 3-4 घर ही आसपास बने हुए हैं ऑन रोड, बस इतना ही है ये, और चारों तरफ खेत खेत है। तो यहाँ पे खेत ज़्यादा है, इसलिए तालाब वालाब की सुविधा उतनी नहीं है। हाँ, घर के सामने नहर ज़रूर है, लेकिन नहर थोड़ा सा गहरी, पानी तो वैसे सूख गया है, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं वहाँ नहीं जाके, हम लोग खेत पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाके ये पूजा वूजा होती है, वहाँ पे भी कुछ करते हैं पूजा पाठ, उसके बाद सब वापस आएंगे। तो देखते हैं चल के वहाँ पे क्या क्या होती है, क्या क्या पूजा कैसे होती है। तो ये जो टोकरी थी, जितने लोगों ने वहाँ पे उठाया था उतने ही लोग अपने हाथ से इसको नीचे उतारने में मदद करते हैं, और मामी अब यहाँ की पूजा स्टार्ट कर देंगी। यहाँ पे क्या क्या होता आप लोग देखिएगा। तो ये जो नाउन होती है ये सारा कुछ बताती हैं कि क्या क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो भी मतलब नंद होती है, जो भी अपने रिश्ते के हिसाब से लोग एक दूसरे के को मतलब हंसी मजाक में बोलते हैं कुछ। तो ये देखिए मामी ने अभी स्टार्ट कर दिया है इसको, मतलब ऐसे करके लिपाई जो भी करते हैं, इसके बाद यहाँ पे टीके उकेंगे, पूजा करेंगे। तो ये जो जगह है जहाँ पे ये टीका उका हो रहा है, ये सब ये तो इसमें दूसरे दिन भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन दूसरे दिन लड़की भी साथ में आती है, जो दुल्हन होती है, होने वाली दुल्हन, वो भी साथ में आती है, वो भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं। तो ये पूजा वूजा होने के बाद सब लोग हंसी मजाक भी करते हैं, और ये इसके बाद यहाँ पे फिर से मतलब जो मिट्टी है, सब लोग थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेते हैं अपने पास, और वो ले जाके मंडप के पास रखते हैं, और ये सब पूजा होने के बाद वो मिट्टी लेंगे और सब लोग वापस जाएंगे। और जितने लोगों ने वो टोकरी को रखवाया था उतने ही लोग मिट्टी लेंगे और फिर से टोकरी को उठा के ले जाएंगे। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं हंसी मजाक यहाँ पे चल रही है। तो ये सब चीज़ें देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट होता है, वैसे हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। और ये देखिए एक दूसरे से मजाक कर रही हैं। तो ये देखिए सब लोग हाथ में दाल गुड़ लेके आए थे, और यहाँ पे देते हैं सब लोग, जो मामी है ना उनके पल्लू में सब लोग देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे की जाती हैं, और ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, प्रतापगढ़ साइड में इधर सारी जगह यहीं से ही किया जाता है। तो ये वापस हम लोग आ गए हैं मंडप के पास में, और वो जो टोकरी है उसको नीचे रखवा के
जितने लोगों ने उठाया था उतने लोग ही उसको टच करके नीचे रखवाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे पूजा की जाती है, जो चक्री होती है चक्री की और बेलन की, और ये जो इसको जो भी बोलते हो ये, इसके भी पूजा होती है। और इस सब चीज़ों की पूजा होने के बाद पे यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ और भी करते हैं, जैसे कि दाल होती है, दाल बनाते हैं चक्री से, और चावल को भी कूटते हैं। तो ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। कहते हैं कि वो जो दाल होती है ना, उसी से नेक्स्ट डे उसी से कुछ बनता भी है, और वो लड़की के ससुराल में भी जाता है। तो ये देखिए आप लोग, जितने जितनी सुहागिन औरतों ने मतलब टोकरी उठवाई थी, वो सभी मिल के दाल भी बनवा रही हैं चक्री से। तो मैं इस जगह पे पीछे रह गई थी, मैं मुझे पता नहीं था कि ये भी सबको साथ में मिलके करना है, तो मैं चली गई थी। मैं बाद में आऊँगी क्योंकि मैं रह गई थी और मुझे पहले से एक्चुअली पता नहीं था, इसलिए मैं चली गई थी अर्थ को लेने। अर्थ रोने लग गया था। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ मिलके ये सब करवा रही हैं, ये आगे का ये सब क्या क्या होता है सब कुछ कुछ एक्चुअली बता भी रही हैं कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि जिन लोगों ने किया भी होता है ना वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि डेली डेली तो ये सब होता नहीं है। शादी ब्याह कई कई सालों बाद होती हैं तो लोग भूल जाते हैं, तो लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो ये देखिए मैं भी भूल गई हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि मुझे भी करना होता है, तो मैं भी आ गई हूँ इसको करने के लिए। ये देखिए, तो इसको 3 बार या 5 बार ऐसे ही चलाया जाता है। इसके बाद अब सब लोग चावल को भी कूटेंगे। तो ये परंपरा होती है, ये मान सकते हैं कि ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करते हैं। तो इसके बाद गीता को तेल भी लगेगा। इसके बाद गीता को भी तेल लगेगा, क्योंकि आज ही गीता को तेल चढ़ेगा तभी तो फिर उसी वजह से ही तेल पूजन होता है, क्योंकि आज के दिन तेल चढ़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे हल्दी लगती है, फिर मेहंदी लगती है, ये परंपरा होती है। तो सबसे पहले तेल, तो आप लोग देख सकते हैं जो नाउन है ना, वो एक छोटा सा चूल्हा बना रही मिट्टी का। ये वो मिट्टी है जो हम लोग खेत से अभी लेके थोड़ा थोड़ा लेके आए थे, वो मिट्टी है, उसी से ही ये चूल्हा बना रही है। तो ये भी एक फॉर्मेलिटी है जो कर रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही नेक्स्ट डे इसी में पूजा वूजा होगी कुछ। तो ये आ गई हैं, गीता भी बैठ गई हैं, अब इनके तेल लगाया जाएगा। तो यहाँ पे तो ये ऐसा ही होता है ये तेल पूजन। आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे होता है, क्या क्या परंपरा होती है, कैसे रिचुअल्स होते हैं शादी के पहले। और ये इस वीडियो में हम आपको बताए दिखाए हैं कि कैसे होती है यहाँ पे पूजा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये सब करने के बाद बच्चे भी साउंड वाउंड लग गया है, बच्चे आराम से डांस वांस कर रहे हैं, बच्चों को भी अलग ही खुशी होती है सब चीज़ों की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नया वीडियो लेके, हल्दी और मेहंदी की सारे फंक्शंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।